अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले आने वाली एपिसोड के बारे में कि उस्मान बे और नईमान की आपस में जंग होने वाली है या फिर इन दोनों की सिर्फ और सिर्फ तलवारबाजी होगी। और बात करेंगे सुल्ताना के बारे में कि सुल्ताना मंगोल से गद्दारी करेगी। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपने पिछले एपिसोड के ट्रेलर में देखा होगा कि उस्मान बे और नईमान आपस में आमने सामने होते हैं और इन दोनों की एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। बिल्कुल जंग दिखाई जाएगी कुल्लू उस्मान में, लेकिन जंग से पहले इन दोनों की तलवारबाजी होगी। और जैसे ही यहाँ पे लड़ाई शुरू होगी तो सुल्ताना आपने देखा होगा ट्रेलर में गाद लगा के बैठी होती है, वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएगी। और आपको ये बात भी दिखा दें कि नईमान का खात्मा भी दिखा दिया जाएगा। उस्मान बे नईमान को या तो कत्ल कर देंगे या फिर पकड़ लेंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि उस्मान बे नईमान को खात्मा कर देंगे। ये बात जब गजान खान को पता चलेगी या फिर नईमान के भाई को पता चलेगी तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त से उतार दिया जाएगा और सुल्तान मसूद को फिर से तख्त पर बैठा दिया जाएगा। और ये सब बहुत जल्द होने वाला है या फिर उस्मान बे इसको यहाँ से पकड़ लेंगे, इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि नईमान ने उस्मान बे से कहा था कि तुम्हारी और मेरी कल फाइट होगी, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे सरदार मेरी बैत करेंगे। और उस्मान बे ने ये शर्त रखी अगर उस्मान बे जीतेंगे कि तुम्हारे नौकर सारे मेरे सरजमीन से निकल जाएंगे। और ये बात ट्रेलर में भी दोहराई गई। इस बात से साबित होता है कि उस्मान बे नईमान को हरा देंगे आने वाली एपिसोड में और नईमान के नौकर इस सरजमीन से निकल जाएंगे। लेकिन इससे पहले उस्मान बे और नईमान के दरमियान एक फाइट भी होगी और हो सकता है जंग भी हो। और आपने ट्रेलर में देखा होगा कि सुल्ताना भी वहाँ मौजूद थी। हो सकता है जब नईमान जंग हारने वाला हो तो सुल्ताना भी एंट्री कर ले और सुल्ताना उस्मान बे का साथ देगी, जिसकी वजह से नईमान पकड़ा जाएगा। और ये भी हो सकता है कि उस्मान बे इसको माफ कर दें। और आपको ये बात ही वादे कर दें, अगर नईमान यहाँ से चला जाएगा तो यही सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त से हटा देगा। लेकिन अगर उस्मान बे इसको कत्ल कर देंगे और जब ये बात मंगोलों को पता चलेगी सुल्तान ने मंगोल से गद्दारी कर दी है, तो फिर मंगोल सारे सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त से उतार देंगे, सुल्तान वसद को तख्त पर बिठा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाला के बारे में कि बाला कोनिया महल से कैसे बच के निकलेगी। दोस्तों, आप लोगों ने ट्रेलर में देखा हो, पहले तो बाला को आपने कोनिया में देखा होगा, फिर उस्मान बे के पास देखा होगा। और आपने ट्रेलर में ये भी देखा होगा जब सुल्ताना दरवाजा खोलती है महल का तो उस वक्त शामिल एलिप उनके साथ था। हो सकता है शामिल एलिप की मदद से सुल्ताना बच जाए और फिर वो बाला को भी बचा ले। लेकिन ये बात तो वाजह हो चुकी है पक्की के बाला और इस्मेहान वहाँ से मंगोलों को हरा के वापस आ जाएंगे। रही बात अब तैमूर और जंग की तो उसके बारे में आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करेंगे नईमान और उस्मान बे की लड़ाई के बारे में। दोस्तों, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि नईमान उस्मान बे के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन क्या वो हार जाएगा उस्मान बे? दोस्तों, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि नईमान उस्मान बे की गर्दन उतारने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला और एन वक्त उस्मान बे यहाँ से हट जाएंगे और नईमान के ऊपर वह फिर से हमला करेंगे। हो सकता है कि लड़ाई के दरमियान नईमान उस्मान बे के ऊपर हावी पड़ने भी लगे, लेकिन उस्मान बे उसके बाद कम बैक करके फिर से नईमान के ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि इन दोनों में से किसी का खात्मा होगा और लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी, यानी कि लड़ाई दिखा दी जाएगी, जंग शुरू हो जाएगी। जंग के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं आख तैमूर के बारे में कि आख तैमूर पर उस्मान बे ट्रेलर में क्यों गुस्सा कर रहे थे। इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि आख तैमूर ने बगैर पूछे उत्तम साहब के कबीले में सरदार बन गया, क्योंकि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि मलहून खातून ने उस्मान बे को खत भेजा था कि आख तैमूर जो है वो उत्तम के कबीले का सरदार बन चुका है, और उसने ये हरकत उस्मान बे से बगैर पूछे की थी। इस वजह से उस्मान बे आख तैमूर के ऊपर भड़के ट्रेलर के अंदर बात। और अब बात करते हैं उस्मान बे और नईमान की जंग के नतज की। ये जंग के नतज सिर्फ और सिर्फ उस्मान बे की फतह की सूरत में निकलेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक वक्त में नईमान की फौज भी उस्मान बे की फौज के ऊपर हावी नजर आए, लेकिन उस्मान बे किसी न किसी तरह कम बैक करके नईमान को घुटनों पर मजबूर कर देंगे, घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर ही देंगे। लेकिन इस बात का पक्का नहीं है कि नईमान इस्लाम कबूल कर भी सकता है, क्योंकि या फिर उस्मान बे इसकी गर्दन भी उड़ा सकते हैं। ये सब तो आने वाली एपिसोड नहीं पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।